भारत की युवा शूटर मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया और 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। यह पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला मेडल है और मनु ने पहली बार ओलंपिक में मेडल जीता है। इससे पहले वो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। मनु की इस जीत ने पूरे देश को गर्वित कर दिया है। आपको बता दें कि मनु भाकर की इस उपलब्धि पर उन्हें पूरे देश से बधाई मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी सहित कई लोगों ने उन्हें बधाई दी है। पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीतने पर मनु भाकर को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, बहुत बढ़िया मनु भाकर, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक जीतने पर कांस्य पदक के लिए आपको बधाई। यह सफलता और भी खास है क्योंकि वह भारत के लिए निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई है, एक अविश्वसनीय उपलब्धि। वही निशानेबाज मनु भाकर द्वारा पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ओलंपिक की निशानेबाजी की स्पर्धा में पहला पदक मिलना एक बड़ी उपलब्धि है, मैं उनको बधाई देता हूं। ओलंपिक की निशानेबाजी की स्पर्धा में पहला मेडल मिलना ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दिलाई गई, स्पर्धा में जाने लायक बनाया है और आज इस बात का परिणाम आया है कि दूसरे दिन ही हमारे पास एक